डुकाटी ने नई 2022 मॉडल मल्टीस्ट्राडा V2 एडवेंचर मोटरसाइकिल पेश कर दी है। यह पहला 2022 मॉडल है जो कंपनी देश में लाने वाली है और इस बाइक को ज़्यादा फीचर से लेस S मॉडल में भी उतारा जाएगा। असल में ये मल्टीस्ट्राडा 950 का अपडेटेड मॉडल है जिसे अब मल्टीस्ट्राडा V2 नाम दिया गया है। बाइक के साथ बदला हुआ इंजन और कुछ और कॉस्मेटिक बदलाव दिए गए हैं और डुकाटी का कहना है कि 950 के मुकाबले ये हल्की और आरामदायक है। मल्टीस्ट्राडा V2 के साथ 937 cc का L-twin टेस्टास्ट्रेटा इंजन दिया गया है जो लिक्विड कूल तकनीक वाला है। 111 bhp और 96 nm पीक टॉर्क बनाता है। अनुमान है कि नई बाइक अगले साल भारत में लॉन्च की जा सकती है। ओला इलेक्ट्रिक ने $200 मिलियन यानी करीब 1,486 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने की घोषणा की है जिनमें फाल्कन एच और सॉफ्टबैंक जैसे कई निवेशक शामिल हैं। अब कंपनी का बाजार में मूल्यांकन $3 बिलियन हो गया है जो 22,281 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ओला का कहना है कि कंपनी बाकी वाहनों के प्लेटफॉर्म बनाने में तेज़ी लाएगी जिनमें इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, मास मार्केट स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं। ओला इलेक्ट्रिक इस समय दमदार फंडिंग हासिल करते हुए खुश है। कंपनी ने अब तक बिक्री शुरू करते हुए 1100 करोड़ रुपए की लागत के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेच दिए हैं। ओला का कहना है कि ताज़ा फंडिंग कंपनी के मिशन इलेक्ट्रिक को ताकत देगी जिसके अंतर्गत ओला इलेक्ट्रिक 2025 के बाद भारत में कोई भी पेट्रोल दोपहिया ना बिकने का प्रयास जारी रखेगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया का कहना है कि एस क्लास लग्जरी सेडान को मिली दमदार प्रतिक्रिया को देखते हुए कंपनी ने इसे तय समय से पहले भारत में बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब भारत में बनी मर्सिडीज बेंज एस क्लास हमारे बाजार में 7 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की जाएगी। नई एस क्लास जून 2021 में भारत आई थी और इसे अब तक देश में पूरी तरह से आयात किया जा रहा था। उस कार की भारत में शुरुआत एक शोरूम कीमत थी 2,17,00,000 रुपये जो टॉप मॉडल के लिए 2,19,00,000 रुपये तक जाती है। घरेलू उत्पादन के बाद एस क्लास की कीमत और भी आकर्षक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कार के लुक्स और तकनीक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ 3 लीटर का पेट्रोल और 3 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है और दोनों इंजन सामान्य तौर पर 9-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।